भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं सभी से निवेदन करता हूं, माननीय राजनाथ सिंह जी से, माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। कार्यकर्ताओं, जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। आप दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही कम समय आपको अधिसैक्तिक डेढ़ घंटे पहले सूचना मिली। दिल्ली में चारों ओर ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद भी आप इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि देश जो कार्यकर्ता आए हैं उनको संबोधित करें और देश के कार्यकर्ता को भी मंच के माध्यम से संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, दोनों राज्य में विजय हुए, आज आवाज ऐसी होगी क्या? दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, देश के रक्षा मंत्री हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान नितिन गडकरी जी, और आज कार्यक्रम में आए हुए सारे प्यारे भाइयों बहनों और सभी कार्यकर्ताओं का मैं नमस्कार करकर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के विजय के अवसर पर आज जब हम यहां एकत्रित हुए हैं तो सबसे पहले मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता को भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आज जो दोनों राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं उसमें महाराष्ट्र के अंदर भाजपा सेना युति पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। हरियाणा में गत विधानसभा चुनाव से अपने वोटों में 3% की बढ़ोतरी करते हुए हम सबसे बड़े दल बनकर उभरे हैं और ये भी हरियाणा की जनता का, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मित्रों, आज मैं आप सबके माध्यम से देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को इस बात की विशेष बधाई देना चाहता हूं कि मोदी 2 में पहले दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर आगे बढ़ रही। मित्रों, ये दोनों राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र हमारे परंपरागत राज्य नहीं थे। हरियाणा में कभी हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे, महाराष्ट्र के अंदर भी कभी हम मुख्यमंत्री नहीं बना पाए थे। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पूर्ण बहुमत देकर केंद्र में सरकार बनाई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तुरंत चुनाव आया और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दोनों सरकारों ने पांच साल तक जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए दोनों राज्यों के विकास के लिए समभाव के साथ, सबका साथ सबका विश्वास के सूत्र को चरितार्थ करते हुए सरकार चलाई और एक जीरो करप्शन वाली सरकार दोनों राज्यों में देने का काम भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं ने किया, श्री देवेंद्र फडणवीस और मनोहर लाल खट्टर जी ने दोनों राज्यों की जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए ये सरकारें चलाई और पांच साल पूर्ण करने के बाद जब चुनाव का नतीजा आया, मुझे इस बात का आनंद है दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। दोनों राज्यों की जनता ने हमारे मुख्यमंत्रियों को काम को ठप्पा लगाने का काम किया है। मित्रों, देश में भी 2019 में देश की जनता ने पहले से अधिक सीटें देकर, पहले से अधिक मत देकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने का मैंडेट दिया और मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महीने पहले ही सरकार चली। पांच महीना हो गया ये मोदी टू गवर्नमेंट, पांच महीने के अंदर ढेर सारे काम इतनी स्पीड के साथ और इतनी सटीकता से किए हैं कि मानो पांच साल की सरकार न कर पाए इतने काम ये पांच महीने के अंदर करने का प्रयास किया है। और मैं दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सामने हूं, दिल्ली के कार्यकर्ता यहां खड़े हैं, अभी कल ही मोदी जी ने दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनी के 40 लाख लोगों को दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा दिया। जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा कि ये पांच साल के अंदर देश के हर घर के अंदर पाइपलाइन से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे और इसकी पूरी कार्य योजना बनी है। सालों से अटका हुआ ट्रिपल तलाक का बिल, उसको भी ये पांच महीने में पारित कर करोड़ों माताओं बहनों को अपना अधिकार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा काम धारा 370 और 35 ए को हटाकर कश्मीर के विकास के रास्ते खोले और देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए एक राजमार्ग बनाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी टू गवर्नमेंट जिस स्पीड के साथ, जिस स्केल के साथ और जो सटीकता के साथ चल रही है, मुझे लगता है कि देश की जनता ने इसी के लिए ये पहले दो चुनाव में भी मोदी जी के साथ रहना, हमारे मुख्यमंत्रियों के साथ रहना तय किया और परिणाम विजय का आया है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का विस्तार होना तय है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सुरक्षित होना भी तय है। आज देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस विजय के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं हमारा नेतृत्व करने के लिए। और साथ में मैं दोनों राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मनोहर लाल खट्टर को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि देश भर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीपावली के बाद जो नया साल शुरू होने वाला है उसमें भाजपा की विजय यात्रा को इसी गति के साथ चालू रखेंगे
और हम लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के माध्यम से, भाजपा की सरकार के माध्यम से भारत माता को पूर्ण वैभव की दिशा में ले जाए, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार मोदी जी और हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि देश भर के कार्यकर्ताओं और जनता को आप भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय संबोधित करें। तालियों के द्वारा मित्रों, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित भाई शाह, कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा जी, श्रीमान राजनाथ जी, गडकरी जी और सभी प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले दिवाली का आरंभ होने से पूर्व ही महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे साथियों के प्रति जो विश्वास जताया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं उनका अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र इकाई और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई, वहां के पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, उन्होंने भी जनता का विश्वास जीतने में अथक प्रयास किया, लोगों के आशीर्वाद प्राप्त किए, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में और हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र जी का भी पहला अनुभव, मनोहर लाल जी का भी पहला अनुभव, ये दोनों लोग कभी किसी सरकार में मंत्री भी नहीं थे। महाराष्ट्र में हमें गत चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, हरियाणा में हमें गत चुनाव में सिर्फ 2 सीटों का बहुमत मिला था, उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर के दोनों मुख्यमंत्रियों ने, उनकी टीम ने 5 वर्ष तक महाराष्ट्र की और हरियाणा की जो सेवा की, ईमानदारी के साथ राज्य के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए
अविरत कार्य करते रहे और उसका परिणाम है कि आज दोबारा जनता ने उन पर विश्वास जताया है। उनके गत 5 वर्ष के कार्यकाल को मैं जनता ने जो आशीर्वाद दिए हैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आने वाले 5 वर्ष महाराष्ट्र के और हरियाणा के विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला कार्यकाल रहेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो राजनीतिक पंडित आज इस चुनाव नतीजों का एनालिसिस कर रहे हैं, हरियाणा अपने आप में एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। एक सरकार आती है, 5 साल रहती है, फिर दूसरी आती है, फिर 5 साल रहती है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना ये बहुत बड़ी बात है। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 33% वोट मिले थे, 5 वर्ष में थोड़ा बहुत भी तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट फैक्टर होता है, लेकिन उसके बजाय 33% से बढ़कर के 36% वोट प्राप्त किए, 3% ज्यादा वोट प्राप्त करना, ये भी जन सामान्य का उनके काम पर मोहर लगाने का सीधा सीधा गौरव प्राप्त होता है। जो लोग हरियाणा की राजनीति जानते हैं उनको पता है मैंने वर्षों तक वहां काम किया है संगठन का। किसी भी दल के साथ हमें समझौता अगर करना होता था सीट शेयरिंग का चुनाव के लिए, तो ज्यादातर उन दलों के टर्म्स एंड कंडीशन पर कभी 5 सीटें लड़ने को मिलती थी, कभी 10 सीटें लड़ने को मिलती थी, और वो भी वो जो कहे उस सीट पे लड़ना पड़ता था, और कभी 2 आंख पार कर जाए हम जीतने में, यानी 10 या 10 से ज्यादा सीट आ जाए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ करता था। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के पहले तक हमारी यह स्थिति थी। वैसी स्थिति में से जिस प्रकार से हमारी नई टीम को 5 साल और वो भी सिर्फ 2 लोगों का हमारे पास बहुमत था, सिर्फ 2 का, और आज की राजनीति में हम जानते हैं कि ऐसे समय निर्णय कितने टाइट रोप चलना पड़ता है, कोई भी निर्णय करने में कितनी दिक्कत आती है। इन सबको साथ लेकर के ऐसे वातावरण में भी, और मुख्यमंत्री नए बाकी टीम भी नहीं, उसके बावजूद भी 5 वर्ष काम करके फिर से आना हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी को जितनी बधाई दे उतनी कम है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र
2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर रही। शिवसेना के साथ हम रहते थे, कभी सरकार बनी तो भी शिवसेना के नेतृत्व में बनी, हमारे लोगों को थोड़ा बहुत काम करने का अनुभव मिला। लेकिन महाराष्ट्र की एक विशेषता देखिए, गत 50 वर्ष में आपको भी ये सुनकर के आश्चर्य होगा, 50 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री पूरे 5 साल वहां महाराष्ट्र की सेवा नहीं कर पाया। पांच साल लगातार मुख्यमंत्री, 50 साल के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी को सेवा करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा देश की आर्थिक राजधानी, देश की अर्थव्यवस्था में, दुनिया में देश के प्रभाव को बढ़ाने में महाराष्ट्र का और विशेषकर मुंबई में का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे राज्य में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है, लेकिन 50 साल तक दो तिहाई बहुमत वाली सरकारें भी एक मुख्यमंत्री को लेकर के चल नहीं पाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है सबको साथ लेकर के चलने का, हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, भाजपा शिवसेना पिछले चुनाव में आमने सामने लड़े थे, लेकिन चुनाव आने के बाद जब जनता ने ही तय कर लिया कि भाजपा शिवसेना अलग चल ही नहीं सकते, आपको साथ चलना ही पड़ेगा, निर्णय जनता ने किया और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के 5 साल तक स्थिर शासन दिया, नेतृत्व दिया। और इस बार भी गठबंधन को भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता ने विजयी बनाया, और इसलिए महाराष्ट्र की जनता का जो अपार विश्वास है, हमारी युवा नेतृत्व है, वहां नया नेतृत्व है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से एक भी प्रकार का दाग लगे बिना सरकार चलाई, उसको आज जन समर्थन मिला है, और ये बात हमारे लिए बहुत गर्व की और आनंद की है कि जब देश का सामान्य ट्रेंड राज्यों में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलने का है, ऐसे समय 5 वर्ष के बाद दोबारा बिठाने का सरकार जनता का निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे लोगों के काम करने के तरीके के प्रति जो उनका विश्वास है, उस विश्वास को प्रकट करता है। मैं दोनों प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने हम पर इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद बरसाए हैं, हमारी टीम नई थी, अनुभव बहुत सामान्य प्रकार का था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक हमने सेवा करने के हमारे मकसद से जरा भी डिगे बिना आपकी सेवा की है। अब आपने दोबारा हमें मौका दिया है, तो मैं महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
कि आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। त्याग और तपस्या में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपने जो विश्वास रखा है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम भरसक कोशिश करेंगे। और केंद्र में सरकार में होने के कारण मैंने अनुभव किया है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वे अधिक उत्साह के साथ मेहनत करती हैं, जनता तक बात ले जाती है। जहां अन्य दलों की सरकारें आई हैं उनका ज्यादा समय योजनाओं के नाम बदलने में जाता है। मोदी की एक योजना हो तो उनको लगता है कि अपने राज्य में नाम बदल दें वरना क्रेडिट मोदी को चली जाएगी। उसी उधेड़बुन में वो 1-2 साल तो यूं ही खराब कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां है वहां सीमलेस कोई रुकावट के बिना केंद्र सरकार की योजनाएं भी उतनी त्वरित गति से जन सामान्य के लाभ के लिए आगे बढ़ाई जाती है। और उसके कारण ऐसी सरकारों से जनता को डबल फायदा मिलता है। राज्य की योजनाएं भी और केंद्र की योजनाएं दोनों तेज गति से जन सामान्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनता का ये बढ़ता हुआ प्यार हमारी जिम्मेवारियों को भी बढ़ाता है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर पल हर डगल जनता के विश्वास पर खरे उतरने के लिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे। इस विश्वास को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देवेंद्र जी और मनोहर जी की टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी इस तोहफे के लिए प्रणाम करता हूं और दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली का पर्व आपके परिवार में भी नया प्रकाश लेकर के आए, नई ऊर्जा लेकर के आए, नया उमंग लेकर के आए और आपका भारत के विकास की यात्रा में समर्थ योगदान जुड़ता चले, ये भी शुभकामना देते हुए मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की इस टीम को भी अमित भाई और नड्डा जी उस पूरी टीम ने जो इस चुनाव अभियान को चलाया उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का तालियों के द्वारा मित्रों आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी कार्यकर्ता इतने कम समय के अंतर्गत आए, इसलिए आप सभी का हार्दिक आभार। शुभ दीपावली। बहुत बहुत धन्यवाद।